गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबक नंबर 14 जंगल। आज हम ये सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बार याद दिला दूँ, जंगल में जंगली जानवर, पालतू जानवर और छोटे बड़े सारे किस्म के जानवर पाए जाते हैं ना, हमने सबक नंबर 13 में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक लकड़हारा था। लकड़हारा किसे कहा जाता है बच्चों? जो लकड़ियाँ काटता है ना, उसका नाम हीरा था। उसका नाम क्या था? जो लकड़हारा था, हीरा। हीरा रोज़ाना अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता था। उसके गांव के पास एक बड़ा जंगल था। बच्चों, जो लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता था जंगल में, तो लकड़ियाँ किससे काटी जाती है? कुल्हाड़ी से, है ना। कुल्हाड़ी एक हथियार है, औजार है बच्चों। तो उसके गांव के पास एक बड़ा जंगल था, हरा भरा जंगल। हरा भरा यानी कि पेड़ों से लदा हुआ। हीरा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाज़ार में बेच देता। हीरा जंगल से लाई हुई लकड़ियां बेच कर किसी दुकान से घर का सौदा खरीद लेता। एक रोज़ वो लकड़ियों का गट्ठा बांधकर पेड़ के साए में बैठा था। बच्चों, एक दिन वो लकड़ियाँ काट कर कहाँ बैठा था? पेड़ के साए में, यानी कि छांव में बैठा था। असलम और रशीद की नज़र उस पर पड़ी। अब असलम और रशीद दोनों लड़के वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ी, यानी लकड़हारे को वो देखता है। और दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं, असलम, हीरा, अच्छा आप तो रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, जंगल में दूर तक चले जाते होंगे। अंदर जंगल में और क्या क्या है? असलम उस लकड़हारा है जिसका नाम हीरा है, उससे कहता है कि तुम लकड़ियाँ काट कर लाते हो तो जंगल में दूर दूर तक अंदर जाते होंगे, तो जंगल में और क्या क्या है? तो हीरा कहता है, असलम बेटे, जंगल में और भी बहुत से दरख्त हैं, तरह तरह के दरख्त, यानी कि अलग अलग पेड़ हैं, दरख्त यानी कि पेड़, दीदार के दरख्त, चीड़ के दरख्त, सागवान और शीशम के दरख्त। वो दरख्त के नाम बताता है, कौन? हीरा बच्चों को। रशीद, हीरा, अच्छा क्या आप हर तरह की लकड़ी काट लेते हैं? रशीद क्या कहता है हीरा से कि आप हर तरह की लकड़ी काट लेते हो? तो हीरा जवाब देता है, हीरा कौन है? लकड़हारा। नहीं बेटा, मैं जो लकड़ी काटता हूँ वो मामूली और सूखी होती है। हीरा कहता, आप कौन सी लकड़ियाँ काटते हो? तो वो कहता, मैं तो मामूली और सूखी लकड़ियाँ काटता हूँ, मैं हरे भरे पेड़ नहीं काटता। दीदवार, चीड़ और शीशम की लकड़ी इमारती लकड़ी है, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं ना बच्चों, उसमें वो काम आती है। दीदवार की लकड़ी तो बहुत ही मजबूत होती है, उससे पुल बनाए जाते हैं, ये जो पुल होते हैं ना नदी पर, वो कश्तियाँ और हाउस बोट बनाए जाते हैं। कश्तियाँ और हाउस बोट यानी कि पानी में जो तैर सके बच्चों, वो ये लकड़ी पानी में बरसों रह सकती है और ख़राब नहीं होती। अब असलम कहता है हीरा से, रशीद की बात ख़त्म होती है उसके बाद, क्या काट काट कर ये दरख्त ख़त्म नहीं हो जाएंगे? तो हीरा क्या कहता है, जो दरख्त काटे जाते हैं उनकी जगह नए दरख्त लगाए जाते हैं ताकि जंगल ख़त्म ना हो, और जितने ज़्यादा तादाद में बच्चों दरख्त होंगे उतनी बारिश अच्छी होगी। असलम कहता है, हीरा, अच्छा सुना है जंगलों में जड़ी बूटियाँ भी होती है? जड़ी बूटियाँ यानी कि दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ, पेड़ पौधे, पत्ते होते हैं वो। हीरा, हाँ बेटे हाँ, जड़ी बूटियाँ तो बेशुमार है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती है जो हमारे काम आती है। जंगलों से और भी कई फायदे हैं, जंगल हमारे मुल्क की दौलत है, उनसे मौसम खुशगवार बनता है, उनकी हिफाजत करनी चाहिए।
बच्चों, ये जो आज हमने जंगल सबक पढ़ा है उसके आज हमें दो हर्फ और तीन हर्फ के अल्फाज ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि एक, बच्चों ठीक है, काम, फिर है जंगल, हरा भरा, दुकान, खरीद, दूर लाते, पास। बच्चों, ये ऐसे दो हर्फी और तीन हर्फी हमें अल्फाज ढूंढ कर कापी में लिख के क्या करना है, मुझे जमात दो के ग्रुप में आपको सेंड करना है, ठीक है। तो उर्दू की कापी खोलिए और पढ़ाई लिखिए।